बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं आलू मटर का पुलाव, जिसके लिए हमने ली है 3 अदद प्याज, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा गरम मसाला। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिए हैं अपने आलू मटर। आलू मटर को हमने अच्छी तरह धो लिया है उसको। उसके बाद हमने इसको इसमें शामिल करके अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 3 से 4 अदद बड़े टमाटर। इसको भी हम मिक्स कर फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह। इसके बाद हम सिंधी बिरयानी मसाले का पैकेट डालेंगे, ये ऑफिशनल है। अगर आप चाहें तो अपने मसालों की मकदार बढ़ा दें। इसके हमें टेस्ट अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चाइनीज़ नमक, 2 चाय के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। ये हमने इसलिए ऐड की है क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है, और 1 चम्मच सादा नमक। और हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद हम इसमें अपने चावल ऐड करेंगे। हमने तकरीबन 1 किलो चावल लिए हैं, इसे हमने अच्छी तरह धो के भिगो दिया था। अब हम इसको अपने मसाले में ऐड करेंगे। इसको मसाले में ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 4 गिलास पानी डालेंगे और थोड़ा सा पुदीना। इसके बाद हम इसको कर लेंगे मिक्स। इस स्टेज पर आकर हम अपना नमक मिर्ची चेक कर सकते हैं, जो कम हो उसको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको ढककर दरमियानी आंच पर पकाएंगे। इस स्टेज पर आकर हम इसमें जर्दे का रंग ऐड करेंगे। ये टोटल ऑफिशनल है, अगर आप इसे ऐड ना करना चाहें तो ये आपकी मर्ज़ी, हमें पसंद है इसलिए हमने ऐड कर दिया। इसके बाद हम इसको लगा देंगे दम। दम लगाने के बाद माशाल्लाह से हमारा मटर आलू का पुलाव रेडी है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।